गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों को लश्करे तैयबा द्वारा बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था। आरपीएफ और जीआरपी ने स्टेशन पर चक्रमण बढ़ाते हुए संदिग्धों के साथ ही स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के सामानों की चेकिंग भी शुरू कर दिया था। इसी क्रम में बुधवार को वाराणसी से आई डॉग स्क्वाड टीम के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ स्टेशन पर पहुंचे। टीम ने स्टेशन पर मौजूद संदिग्धों के साथ ही यात्रियों के सामानों की जांच पड़ताल की। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति रही। मालूम हो कि कुछ दिन पहले लश्करे तैयबा द्वारा गाजीपुर सिटी स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों को 22 जून को बम से उड़ाने का जीआरपी को पत्र मिले थे। इससे आरपीएफ और जीआरपी में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद इस मामले के बारे में उच्च अधिकारियों सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया था। इसी क्रम में बुधवार की सुबह एडीएम वित्त एवं राजस्व अशोक कुमार सिंह, सदर एसडीएम प्रतिभा मिश्रा, पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह, एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, सदर सीईओ समर बहादुर सिंह, सदर कोतवाल विमलेश मौर्य, वाराणसी से आई डॉग स्क्वाड टीम और भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। आरपीएफ प्रभारी अमित राय और जीआरपी प्रभारी अखिलेश मिश्रा के साथ प्लेटफॉर्मों पर मौजूद यात्रियों के पूछताछ करने के साथ ही उनके पास मौजूद सामान की तलाशी की गई। अधिकारियों ने आरपीएफ और जीआरपी को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुलिस के इस कार्रवाई से यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले लश्करे तैयबा द्वारा एक धमकी भरा पत्र मिला था। उस पत्र में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसी के मद्देनजर आज डॉग स्क्वाड टीम के साथ स्टेशन पर यात्रियों के सामानों की जांच पड़ताल की गई। स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सर, आज गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाएं की गई, यहाँ पे डॉक्टर शार्ट भी बनाया गया है, क्या है सर पूरा मामला? जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले एक धमकी भरा पत्र आया था कि हम रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे, और उसमें लश्करे तैयबा की तरफ से धमकी दी गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने पूरी व्यवस्था की है, स्नाइपर डॉग भी बुलाया गया है और सादे में भी हमने लगा रखा है, तो उसी के लिए कि कोई ऐसी कोई घटना न होने पाए। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।